अस्सलाम वालेकुम कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली क्या हाल चाल है जो उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्पेशली इस पिज़्ज़े को देख के ज़्यादा ठीक हूँ तो जी अभी जो है ना ये रात का टाइम था और जो है ना रात का टाइम थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी थोड़ी सी हो रही थी बस पिज़्ज़ा खाने की तो जो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और जिस जो है ना घर में एक ही सेवन और टीन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा ये तो मेरा है बाकी जो मर्ज़ी जो मर्ज़ी करते थे क्योंकि मेरा तो पिज़्ज़ा जो है ना वो अलग से नीचे नहीं उतरना बोतल के बगैर मतलब कि ये है कि पिज़्ज़ा वगैरह जैसी चीज़ होती है जो गले में जो है ना फंस जाती है ये वाला हिसाब किताब होता है तो जी खैर यहाँ पे जो है ना सब पिज़्ज़ा खा रहे थे और पिज्ज़ा जो है ना किसको नहीं अच्छा लगता खैर सभी को मुझे लगता है अच्छा लगता होगा और खैर हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है और जब मतलब कि रात को जो है ना लेट नाइट ज़्यादा हमें भूख लगती है ना तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है पिज़्ज़ा मंगवा लो बस यही चीज़ होती है क्योंकि मुझे शौरमा और बर्गर जो है ना इतने अच्छे नहीं लगते हैं तो खैर जी बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और फिर जी सो गए थे और जी पिज़्ज़ा खाने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है और ना मतलब की बात यह है कि जब पेट फुल हो ना तो नींद भी अच्छी आती है और जब पेट खाली हो ना तो नींद भी नहीं आती है खैर जी ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम है और जी सुबह सुबह जो है ना ठंडा ठंडा फ़ालसे का शरबत बनाया था मम्मा ने और जी मतलब कि ये है कि सुबह सुबह जो है ना उठ के ठंडा ठंडा पी के जो है ना कलेजे को ठंड पड़ जाती है जो लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं ना उनको जो है ना सलाम है जो सुबह सुबह उठ के जो है ना गर्म गर्म चाय पी लेते हैं यार कैसे पी लेते हैं जब मुझे जो है न जिस चाय पी भी रहे होते हैं ना उनको देख के भी गर्मी लगना शुरू हो जाती है खैर जी मेरा तो मतलब कि गर्मियों में जब से गर्मी है मतलब कि जब से ये सीज़न आया ना मतलब कि जब से फ़ालसा आया सीज़न में जब से फ़ालसा आया ना सुबह मॉर्निंग में फ़ालसा होता है कि में मतलब कोई ना कोई ऐसी ड्रिंक लेती हूं जो ना ठंडी ठंडी हो तो कोई कलेजे को जो ना ठंडा करा ले और जो उसके बाद जो है ना आज मेरा व्हाइट सॉस पास्ता खाने का दिल कर रहा था आप कहेंगे अभी कलेजे को ठंडक डाल रही थी अब जो है ना व्हाइट सॉस पास्ता बना रही तो खैर भाई इस तरह की चीज़ें जल्दी रहती हैं तो मेरा ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था और गर्मी की वजह से जो है ना बस वो ना मतलब डिले हो रहा था कि आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी आज बनाऊँगी कल बनाऊंगी क्योंकि तो इसके जो है ना दो तीन स्टेप होते हैं तो गर्मी में जो है ना दिल भी नहीं करता तो मैंने कहा चलो मैं बना ही रही हूँ तो रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और जी ये इतने मज़े का बनता है इतने मज़े का बनता है और एक है भी ईजी स्टेप्स इसके होते हैं दो तीन लेकिन ईजी और बहुत जो है ना जल्दी से बन जाता है अच्छा मैंने ना चिकन लिया चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और जी उसमें जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून सोल्ट ऐड किया हाफ टी स्पून चिली से फ्लेक्स ऐड किए हैं हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें अदरक का पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने जिंजर पाउडर ऐड किया है और जी वन टेबल मैंने इसमें ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया था और पाँच दस मिनट के लिए मैरिनेट किया टाइम है तो मैरीनेट करके रख दे नहीं है तो ना करें मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने पाँच दस मिनट ना रख दिया था बाकी काम करने के लिए तो जी उसके बाद जो है ना मैंने चिकन जो है ना इसमें डाल दिया है जी पैन में डाल दिया दो टेबल स्पून मैंने और ऑयल डाल के चिकन डाल दिया साथ ही जो है ना मैंने मकर का पानी भी रख दिया था सॉरी पास्ते का पानी रख दिया था मैंने कहा साथ ही जो है ना पास्ता भी बॉयल जल्दी से हो जाएगा और जो है ना मतलब कि दोनों काम जो है ना जल्दी जल्दी से हो जाएंगे तो जी यहाँ पे जो है ना चिकन का जब हमारा कलर जो है ना चेंज हो जाएगा ना पिंक से वाइट हो जाएगा तो जी हम लोगों ने जो है ना उससे एक घूट पानी डाल के इसको रख देना है चिकन कितनी छोटी छोटी से क्यूब्स हैं बोटियाँ हैं तो ये ना बहुत जल्दी से जो है ना टेंडर भी हो जाती हैं गल भी जाती हैं तो जी बस इसको मैंने एक घूंट पानी डाल के रख दिया था साथ ही जो है ना हमारे पानी में बॉयल आ गया पास्ते वाले इसमें मैंने वन टीस्पून जो है ना सॉल्ट ऐड किया थोड़ा सा ऑयल ऐड किया अच्छा ऑयल और हम लोग ऑयल इसलिए ऐड करते हैं ताकि ना साथ आपस में चिपके ना तो जी बस पहले मैं सोच रही थी कि हाफ बना लेती हूँ क्योंकि व्हाइट सॉस पास्ता जो है ना बस उसी टाइम थोड़ा सा खाया जाता है अगर आप लोग फ्रिज में रख दो ना नेक्स्ट डे मतलब कोई खाना हो तो वो जो उसकी सॉस होती है ना वो काफ़ी ना मतलब कि हार्ड हार्ड सी हो जाती है इसलिए ये मतलब कि फ्रेश फ्रेश ही अच्छा लगता है तो पहले मैं सोच रही थी हाफ बना लूँगी मैंने चाहे चलो पैर पूड़ा ही बना लेती हूँ आधा जो है ना मैं वैसे ही वो बना लूँगी मतलब कि पास्ता बना लूँगी व्हाइट सॉस वाला और हाफ जो है ना मैं सिम्पल बना लूँगी तो अभी बस जो है ना हमारा पास्ता भी बॉयल हो गया था और यहाँ पे जो है ना हमारा चिकन भी जो है ना अच्छे से टेंडर हो गया चिकन हम लोगों ने अच्छे से कुक कर लेना है बीच में बिल्कुल भी पानी ना हो तो जी अब जो है ना मैंने इसमें दो हरी मिर्चें जो है ना वो मैंने बड़ी बड़ी कट करके डाल दी ठीक है इससे ना बड़ा अच्छा मतलब कि ग्रीन चिली एड करने से बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बहुत मजे का लगता है तो बस उसको डाल के मैंने दो मिनट के लिए अच्छे से सोटे किया साथ ही जो है ना मैंने क्यूस में कटा हुआ ना प्याज डाल दिया हम लोगों ने क्यूब्स में डालना आपकी मर्जी आप जैसे मर्ज़ी कारकर डालें क्यूब्स में डालें तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर्स आता है मतलब कि प्रेजेंटेशन जो जा कह लें ज़्यादा अच्छी होती है प्याज को मैंने एक मिनट सोटे किया कोई कलर नहीं देना कुछ भी नहीं करना और ये सारा काम जो है ना हम लोगों ने फुल आंच पर करना है और साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी वो भी जो है ना मेरी क्यूब्स में कटी हुई थी उसको मैंने अच्छे से सोटे कर लिया और अब जो है ना मैंने इसमें क्वार्टर टी स्पून जो है ना मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया और क्वार्टर टी स्पून ही हम लोग इसमें जो है ना ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे क्योंकि जो हम लोगों ने वेजिटेबल्स ऐड किया है ना तो वो ये ना लगे कि फीका फीका ऐड तो कर दिया और जी अच्छे से हम लोगों ने इसको फ, आ, हाई फ्लेम पे जो है ना दो मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है और जी बस हम लोगों ने इसको अब निकाल देना और ये इतने मजे का बना था इतने मजे का बना था कि की जाने अगर हम लोग इसको, इसको इसी तरह स्पून के साथ खा रहे थे ना ये इतने मजे का लग रहा था और जब बस जो है ना इसको मैंने निकाल लिया था उसी पैन में जो है ना हम लोग इसकी वाइट सॉस पास्ता वाइट सॉस रेडी कर लेंगे पास्ता नहीं वाइट सॉस रेडी कर लेंगे और जो दूसरी साइड पे जो है ना वो मेरा मेकरोनी भी रेडी हो गई थी पास्ता मतलब बॉयल हो गया था बस इसका लास्ट स्टेप था और जब मैंने जो है ना टू टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें जो है ना मैंने टू से थ्री टेबल स्पून जो है ना मैंने उसमें ये ले लिया था मैदा ले लिया था इसको हम लोगों ने अच्छे से जो है ना भून लेना ताकि इसकी जो रॉ स्मेल होती है ना कच्चापन जो उसका होता है वो खत्म हो जाए अच्छा इसका हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कच्चापन इसका खत्म हो गया जब हम लोग ऑयल में मेदा डालेंगे ना तो हल्का सा हम लोग उसको मतलब के सोटे करेंगे ना तो उसमें ना बबल्स बनना जहाग बनना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब कि हमारा जो है ना जो मेदा है ना वो उसकी रोपन जो है ना खत्म हो गया मतलब कि जो उसका है ना कच्चापन वो खत्म हो गया तो बस जी साथ ही जो है ना मैंने एक कप जो है ना इसमें दूध ऐड कर दिया और दूध डाल के मैंने इसको के कर अच्छे से विक्स कर लिया इसमें ताकि ना कोई भी लम्स ना बने गुटले ना बने मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके ना इसको मैंने किया था और जी इसमें फिर हम लोगों ने जी हाफ टी स्पून से कम जो है ना हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया जी सॉल्ट ऐड कर दिया और जी हाफ़ टी स्पून से कम ही मैंने इसमें जो है ना क्रश पेपर ऐड किया हाफ टी स्पून से कम ही मैंने इसमें जो है ना ब्लैक पेपर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गोड़ी गहनो एड किया और गहो से ना इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और जी ये जो है ना हमारी मजेदार सॉस रेडी हो गई अच्छा सॉस हम लोगों ने बहुत ज्यादा थिक नहीं करनी है वो ना फिर एकदम से जो है ना थिक हो जाती है और फिर जब उसमें पास्ता जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा चिपकी चिपकी से लगना शुरू हो जाती है इसलिए हम लोगों ने हल्की से ना उसको मतलब कि वो ही रखना है कि वो थिन थिन सी हो मतलब कि ठीक है और जी बस जो है ना और पास्ता जो है ना ये मैंने नाइन्टी परसेंट कुक किया था हंड्रेड परसेंट कुक नहीं किया था क्योंकि पास्ते में जाके बिजने ना कुक होना होता फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है बस इसमें मैंने पास्ते को डाल के ना व्हाइट सॉस में हल्के से सोटा किए सोटे किए और जी इसमें मैंने जो है ना ये जो मैंने बना के रखा था ना चिकन वाला मिक्सर ये मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा सा मैंने इसलिए रख लिया था क्योंकि मैंने हाफ़ पास्ता इसमें ऐड किया था हाफ जो है ना मैं दूसरा वाला बनाऊँगी मतलब कि सिंपल मैक्रोनी बनाऊँगी क्योंकि मम्मा जो है मेरी वो जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं खाती हैं सॉस वगैरह वाली और ये चीज़ों वाली तो इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो के लिए अलग से बना लेती हूँ और ये वैसे मैंने इसलिए कम बनाया था कि अभी अभी बस खाया जाए क्योंकि मैं इसको अगर फ्रिज में रख दूँ ना तो नेक्स्ट डे ना ये अजीब सा हो जाता है मतलब कि इसकी जो सॉस है ना वो हार्ड हार्ड सी हो जाती है और चाहे आप उसको जितना मर्जी ओवन में गर्म कर लो कुछ भी कर लो ना तो उसकी सॉस जो होती है ना वो नहीं होती है तो ये बहुत मज़े का बना था इतना टेस्टी बना था ना बहुत मज़े का बना था इसी तरह से अगर हम लोग चिकन का जब वेजिटेबल्स सोटे करते हैं ना बहुत मज़े का बना था आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताया गया कि आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया और बस यहाँ पे जो है ना मैंने दूसरी साइड पे जल्दी से जो है ना सिंपल वाला भी रेडी कर लिया था बस मैंने जो है ना वो चिकन ऐड किया उसमें मैंने थोड़ा सा सो सोया सॉस सो, चिली सॉस और सिरका ऐड किया और जो है ना थोड़ा सा हल्का सा सोल्ट और ऐड कर दिया था और जो बस पास्ता डाल के ना मैंने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था और यहाँ पे जो है ना ये मैं खाने लगी थे और इतने मज़े का जो इसमें हम लोगों ने चिकन को हम लोगों ने पकाया ना वेजिटेबल्स में उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ था और जो हम लोग इसमें और ही करते हैं ना व्हाइट सॉस पास्ते में सॉरी वाइट सॉस में वो इतने मज़े के लग रहा था ना इतना मज़े का फ्लेवर था अगर आपको बस और नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते कोई वो वाली बात नहीं है कि और नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे और नहीं है आप लोग स्किप कर दें लेकिन मुझे जो है ना इसकी खुशबू और फ्लेवर ना बड़ा अच्छा सा लगता है इसलिए मैं जो ना ऐड कर देती हूँ और जी बस यहाँ पर जो ना मज़े ले लेके खा रही हूँ और जी कुछ लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो जिनके मुँह में पानी आ रहा ना वो जल्दी से जहाँ मेरी रेसिपी से ट्राई करें और जिनको नहीं अच्छा लगता वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं तो जी खैर जो है ना मैथ तो अभी बस बहुत मज़े ले लेके जो ना सोस व्हाइट सोस पास्ता खा रही हूँ और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना अभी मेरा इतना दिल है ना कि मैं इसको पकड़ के खा लूँ इतना मजे का बना था और जी जो है ना रात का टाइम था और जी यहाँ पे जो है ना मैं जैनब के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ कर रही थी लाटियाँ कर रही थी इसको जो है ना इसके पास पैसे थे तो मैं इसको कहती थी जैनब ये मुझे दे दो कहती नहीं इसको मैं अपने गले में डालूंगी तो मैं उसको खास रही थी, थी जैनब ये मुझे दे दो मैं इसकी आइसक्रीम खा लूँगी तो कहती नहीं ये मेरे हैं इसको मैं अपने गले में डालूंगी तो मैं कहती लाओ भी मैं आपको ना इसको गले में डाल दूँ क्योंकि इस तरह इस तरह कर दी ये फ़ौरन से जो है ना नोट फाड़ के ना आके कहती ये ले मैंने इसको फाड़ दिया तो गले में ऐसे डाल नहीं रहा था तो मैंने कहा लाओ जैन मैं आपको डाल देती हूँ तो बस जो है ना यहाँ पर मेरे साथ बैठ के ड्रामे लगा रही थी और जो है ना जैन को देखें लाजमी माशाला कहा करें मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों को जैनों को जब भी देखा करें उसको माशाल्लाह लाज़मी लाजम कहा करें और काफ़ी दिन जो है ना मेरी वीडियो भी नहीं आई वो इसलिए नहीं आई क्योंकि जैनों को जो है ना थोड़ा सा फ़ीवर हुआ था और जब बच्चे बीमार होते हैं तो आपको पता है माएँ जो हे हैं ना वो मतलब के बच्चे जो होते चिड़चिड़े हो जाती है और माएँ जो होती हैं ना उनके साथ ही बस बिजी होती हैं तो इसको जो है ना थोड़े दिन फ़ीवर रहा इस वजह से जो है ना मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी और जी बस यहाँ पर जैन हमने गले में पैसे डाल तो बड़े खुश हो रही थी और मैं कहती थी लाऊ में मुझे गला दिखाओ आपका कितना फुल हो गया कि नहीं हो गया तो बस जो है ना हम लोग यहाँ पर ला कर रहे थे और जी उसके बाद जो है ना एज यूजअली really, मैंने काफ़ी दिन हो गए अपने व्लॉग में आइसक्रीम नहीं दिखाई थी तो आज जो है ना आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा था क्रेविंग हो रही थी तो बस अभी जो है ना हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे थे और अभी जो है ना काफी लेट मतलब की टाइमिंग थी रात के बारह बारह बजे का टाइम था और जी बस हम लोग जो है ना जैनम ने कहा जी मैंने आइसक्रीम खाने जाना है तो हमने कहा मामून इसके कहा चलो आओ चलते हैं तो अभी बस अभी जो है ना हम लोग चमन पर जा रहे थे आइसक्रीम खाने क्योंकि हमारे जो है ना नियरेस्ट भी हमें पड़ता है और चमन की अच्छी भी लगती है अगर हमारा मतलब के कौन खाने का इतना दिल नहीं कर रहा होता ये मतलब कि ये वाली चमन की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए हम लोग यहीं पे आ जाते हैं और जी बस यहाँ पे जो है ना इतना तो ज़्यादा रश भी नहीं था और बाहर जो है ना बैठे भी नहीं हुए थे लोग इस वजह से क्योंकि इस टाइम जो है ना रश भी नहीं था और जो है ना बस लेट भी काफ़ी ज़्यादा था और जी बस यहाँ पे ऑर्डर हो रहा है और जब तक जी मेरी आइसक्रीम आती है आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और जी हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें तो जी अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं ना दबाया तो जल्दी से दबा दें आपके सिर्फ एक फिंगर लगनी है और लाइक हो जाना है और ये नीचे साथ ही जो है ना चैनल का सब्सक्राइब भी कर दें और जी बस यहाँ पे जो ना मैं बैठ के जो ना आइसक्रीम का वेट कर रही थी और यहाँ पे जो ना जैनब ने मुझे अपने बालों से पीनू तार के पकड़ाई और मैंने जो है ना यहाँ पे लगा ली थी और मैं थोड़े से ना वो मारी थी क्या कहते हैं टशके टशकन टशके मारी थी क्या करी थी खैर जो भी आप लोग कहें तो मुझे ना काफ़ी अच्छी भी लग रही थी जैनब ने उतार के फिर ना गुम जाती।, हाँ तो जाती है मैंने हाथ में पकड़ूँ ना तो गिर जाती है गुम जाती है तो मैंने कहा जो अपने बालों पर लगा लेती हूँ और यहाँ पर बैठ के जो ना हम आइसक्रीम का वेट कर रही थी और जी यहाँ पर जो ना मेरी आइसक्रीम आ गई थी आज जो है ना मैंने बड़ा वाला कप मंगवाया था क्योंकि छोटा वाला कप खा के यार कुछ भी नहीं बनता ऐसे आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा आज मैंने जो है ना थोड़ा बड़ा कप मंगवाया था और जी मुझे जो है ना फ्लेवर्स में पाइन अच्छा लगता है और साथ जो है ना कोकोनट अच्छा लगता है और जी बस यहाँ पे जू ना मैं बैठ कर अपने आप को देख रही थी साथ थोड़ी सी वीडियो बना रही थी और यहाँ पे शोर जो है ना थोड़ा सा ज्यादा इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ और जी आगे जो है बात मतलब बातें रही थी और जी बस इतना ही मेरा आज का व्लॉग था अच्छा लगा जरूर करके सब्सक्राइब कीजिएगा और जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा टाटा बाय बाय और हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहा आइसक्रीम दिखाओ कहा मैंगो strawberry वाओ दिखाओ अपनी आइसक्रीम कहाँ पे है मुझे भी दो